नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका GKN वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास होंडा साइन है SP125 और ये OBD2 यानी कि BS7 है वो वाली बाइक है। तो इस बाइक के अंदर काफ़ी सारे जो है चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसका ये ISG है और इसका ये ECM है। BS6 बाइक के अंदर यानी कि फ्यूल इंजेक्शन बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहता है, जैसे हमारा यहाँ पे इंजेक्टर है, इसका इंजेक्टर का वोल्टेज यहाँ पे हाई हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, या फिर इसका जो फ्यूल पंप है वो वर्क नहीं करता। तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम आती है वो यही इसी तरीके से आती है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो फ्यूल पंप है इसका जो वर्किंग कंडीशन है वो किस तरीके से चेक करेंगे। तो हम पहले की जो बाइक थी उस पर हम इस मल्टीमीटर से चेक कर लिया करते थे और हमें यहाँ पता चल जाता था कि हमारा ECM ख़राब है और यह फ्यूल पंप ख़राब है। तो इसका जो टेस्टिंग है वो आप मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो वर्किंग है वो आप चेक करेंगे कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर से भी आपको बताएंगे और किसी और अलग तरीके से भी आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर लिया हूँ अभी, यहाँ पे इस तरीके से मैं पॉजिटिव जो लाइन है उसे मैं यहाँ ग्राउंड दे रहा हूँ और एक लाइन पे हम सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 11.5 वोल्टेज करंट दिखा रहा है। इग्निशन एक बार ऑफ करो, ऑन करो, तो ये इस तरीके से इसके अंदर वोल्टेज दिखा रहा है, 11 वोल्टेज है ना। और पहले जो है हम जब चेक करते थे तो ये 11 वोल्टेज जैसा दिखाता 3 वोल्टेज और वो चला जाता, लेकिन यहाँ पे ये हमेशा रह रहा है। देखो ये अभी हमारा इग्निशन ऑन है पर ये हमेशा रह रहा है यहाँ। तो इस तरीके से आप चेक नहीं कर सकते। तो मल्टीमीटर से आप चेक करने का जो तरीका है वो आप नहीं कर सकते। सीधा सीधा आप LED एक टेस्टर लेना है आपको, इससे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसे चेक करने का है। इसे मैं यहाँ पे ग्राउंड दे रहा हूँ। तो ग्राउंड देने के बाद और ये फ्यूल पंप का कपलर है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो इसका जो टेस्टर लैम्प है ये हल्का सा जल रहा है, बहुत बारीक सा जल रहा है। इग्निशन ऑफ करो, ऑन करो, अभी तेज जलेगा और ये 5 से 6 बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये डाउन हो जाएगा। एक बार और दिखाओ, इस तरीके से ब्लिंक करेगा ये। तो हमारा ECM सही है। और दूसरा तरीका आपको और भी हम दिखाएंगे। तो एक आप पार्किंग लैंप सरल तरीका से आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग लैंप को मैं ग्राउंड दे रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे सारे लाइन में जो मैं पहला लाइन दिखा रहा हूँ उसके बाद ये जो 3 लाइन है उसमें इसी तरीके से आपको चेक करना है। इग्निशन ऑफ करो, ऑन करो, इस तरीके से ये विलिंग करेगा, करो, ऑफ करो, ऑन करो, ये। तो इसी तरीके से आपको ये सभी लाइन में ऐसा चेक करना है, करो, ऑन करो, इस तरीके से। ये तीसरा लाइन में लगाया मैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहली की जो बाइक थी उसके अंदर यहाँ पे 3 वोल्टेज करंट आता था, तो आप एक लैंप से चेक करते थे उस समय में आपको पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसके अंदर 3 वोल्टेज करंट आता था इसके लिए। तो आप इस तरीके से आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ये बाइक को अभी हम करते हैं स्टार्ट, न्यू बाइक है ये और मेरी दोस्त की बाइक है। तो इसके अंदर हमें चेक करने का जो तरीका था वो देखना था और हमें टाइम मिलता है तो इसका जो वायरिंग का पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ बाइक को करता हूँ स्टार्ट, तो बाइक स्टार्ट हो गई। अभी इसका चेक इंजन लाइट ऑन हुआ है इसलिए क्योंकि हम फ्यूल पंप का जो कपलर है उसे आउट किया था इसलिए। तो 1 से 2 बार हम ऐसे मैनुअल हटा देंगे और ये चला जाएगा, देखते हैं इसे कोशिश करके।
तो यहाँ पे इसका चेक इंजन लाइट नहीं जा रहा है, उसके लिए मैं यहाँ स्कैनर अटैच किया हूँ। तो हमारा जो ओल्ड केबल है वो इसके अंदर अटैच हो गया। अभी हम इसका ऐसे इरेज कर देंगे, इसका कोड यहाँ से चला जाएगा जो चेक इंजन लाइट शो कर रहा है। तो हमने इसका फ्यूल पंप का कपलर निकाला हुआ था, इसके लिए इसके अंदर कोड आया हुआ है। तो यहाँ पे आ गया इरेज कोड करने का, इसे मैं ओके कर दूंगा। और यहाँ पे एक बार और ओके करेंगे और यहाँ प्लीज टाइम बता रहा, और यहाँ पे हैज बिन क्लियर हो गया और ये चेक इंजन लाइट यहाँ से चलक गया। ठीक है, अभी हम वापस से इग्निशन ऑन करके और देखेंगे तो ये चला गया चेक इंजन लाइट। तो इस तरीके से इस बाइक के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले किसी नए टॉपिक को लेकर।